अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं फिल्म मोरा का जो है कोर्स आप लोगों के लिए रोज़ कोई ना कोई वीडियो जो है वो अपलोड करता हूं, तो आज इस कोर्स की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप लोग लोअर थर्ड्स किस तरह बना सकते हैं और इसमें ग्रीन स्क्रीन का जो है ऑप्शन होता है वो आप लोग किस तरह जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली लोअर थर्ड्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं इधर अपनी एक यूट्यूब चैनल की जो है वो वीडियो प्ले करता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी मैं पीछे करके प्ले करता हूँ, तो आप लोगों के पास शो हो रहा होगा कि ये मेरी वीडियो चल रही है और ये देखिए यहाँ पर नीचे जो है मेरे पास एक फॉलो मी का मतलब वो ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद जो है ये एक अभी यूट्यूब का जो है वो फॉलो मी का इधर वो आ रहा है कि बेसिकली इसको जो है हम लोग लोअर थर्ड्स कहते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और ये भी चीज़ दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने जैसे ही आप लोगों की वीडियो जो चल रही है आप उसके बीच में जो है अपना ये लाइक का जो है थंब जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसके बाद क्लिक द बेल आ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह मैं आप लोगों को थोड़ी सी और जो है वीडियो आगे करके दिखा देता हूँ कि इसमें और जो है लोअर थर्ड्स जो हैं वो आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए कि ये लोअर थर्ड्स होता क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, ये देख लीजिए एक और जो लोअर थर्ड आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा कि मैं ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या मतलब फेसबुक पे अपने वीडियोस डालते हैं या यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो वो यूट्यूबर्स जो हैं अपना लोअर थर्ड्स को यूज़ करते हैं जिससे उनकी वीडियो जो है वो मतलब ज़्यादा प्रमोट होती है, लोग वो देख के उसको सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों, ये किस तरह बनाते हैं ये मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताऊंगा, और ग्रीन स्क्रीन क्या होता है वो किस तरह रिमूव करनी है वो भी मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जी दोस्तों, मैंने अपना फिल्म मोरा का सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैं अपनी कुछ फाइल्स जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसा कि ये तीन लोग कुछ इनमें कुछ लोअर थर्ड्स भी हैं और ग्रीन स्क्रीन्स भी हैं। तो जब भी आपने लोअर थर्ड बनाना है तो आप लोगों के पास ग्रीन स्क्रीन जो है वो उसमें आती है, तो ये एक जो है मैंने ग्रीन स्क्रीन की जो है वीडियो अपने पास से इधर ऐड कर ली है। यहाँ पर मैं जो है अपनी एक वीडियो जो है टाइमलाइन पे इसको ले आता हूँ, यहाँ पर मैं फिट टू टाइमलाइन कर लेता हूँ, और साथ ही जो है ये मैं जो है हार्ट्स बने हुए हैं कुछ, और इसको भी मैं कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से जो है वीडियो को प्ले करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये ग्रीन स्क्रीन का जो है ये इस तरह ये शो होगा। तो दोस्तों, ये बेसिकली अगर आप लोग इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर आप लोग ग्रीन स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, ग्रीन स्क्रीन पर जाएंगे तो मेक पार्ट्स ऑफ द क्लिप ट्रांसपेरेंट, आप लोग इस पर मत क्लिक करेंगे तो उसका आपका जो ग्रीन स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आप लोगों के पास ग्रीन स्क्रीन नहीं आएगी, लेकिन ग्रीन स्क्रीन पे जो कुछ भी था हार्ट्स बने हुए थे या नाम लिखा हुआ था या कुछ भी जो था वो आप लोगों के पास होगा, तो आप लोगों के पास ग्रीन स्क्रीन ख़त्म होकर इस तरह आप लोगों के पास शो होने लग जाएगा आपकी वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक ये इसका ऑप्शन है। इसी तरह जो है आप लोग अपने लोअर थर्ड्स बना सकते हैं। लोअर थर्ड्स जो है मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक ये भी ऐड करके दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग कोई वीडियो बना रहे हैं और आप लोग ये इसको अपना चैनल सब्सक्राइब करने का आप लोग अपनी वीडियो में कह सकते हैं, ये देख लीजिए इस तरह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करूँगा, ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक करके आप लोगों के पास आपने इस पर टिक कर देना है जिससे आप लोगों का जो ग्रीन स्क्रीन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो है मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा पीछे करके फिर दिखा देता हूँ। अब जो है एक ये इस तरह का जो है वो मतलब एक आप लोगों के पास छोटा सा एक लोअर थर्ड बन गया है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसमें फेसबुक का आ जाएगा कि फेसबुक का पेज जो है वो ज्वाइन कीजिए। इसी तरह आप लोग ट्विटर का भी रख सकते हैं या किसी चीज़ का भी, इंस्टाग्राम का रखना है आप वो इसमें ईज़िली जो है आप रख सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब आप लोगों ने इसमें लोअर थर्ड्स कैसे बनाने हैं, मेरे पास बहुत से ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस हैं, लोअर थर्ड्स की वीडियोस हैं जो कि मैं आप लोगों को मतलब डिस्क्रिप्शन में उनका डाउनलोडिंग का जो है वो लिंक आप लोगों को दे दूंगा। तो आप लोग अगर लोअर थर्ड्स जो है आप लोगों ने ऐड करना है तो आप लोग इसमें जो है
मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप इधर टैक्स एंड क्रेडिट में चले जाएंगे। टैक्स एंड क्रेडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये शो हो रहा होगा लोअर थर्ड। यहाँ पर जो है मैं एक आपको लोअर थर्ड जो है वो इसमें बना के दिखा देता हूँ किस तरह बनाया जाता है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है मेरे पास कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट आ रहा है। अगर आप लोगों ने इसको एडिट करना है, मतलब फ़ैशन की जगह जो है आप अपना ज़ाहिर आप अपना चैनल का नाम लिखेंगे तो वो आप लोग किस तरह लिख सकते हैं। आप लोगों ने डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों ने एडवांस में चले जाना है। एडवांस में जाएंगे तो आप लोगों के पास जो है टेक्स्ट ऐड करने का या कलर चेंज करने का जो है आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा। जी दोस्तों, ये मेरा एडिटिंग का जो है वो पेज खुल चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने कैसे एडिट करना है, यहाँ पर मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा सा आप लोग जो भी आप लोगों ने रखना हो तो वो आप लोग इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये एक रखना चाहता हूँ तो मैं अपने इधर चैनल का नाम लिख लेता हूँ और फ़ॉन्ट मैं इसका जो है वो दोबारा चेंज कर लेता हूँ। जो भी आप लोगों को फ़ॉन्ट अच्छा लगे तो वो आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, मैं इस वक्त फ़िलहाल जो है यही आप लोगों को रख के दिखा देता हूँ। इसका कलर जो है, बॉर्डर जो है मैं इसका नहीं रखना चाहता, कलर जो है वो मैं इसका ब्लैक कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे जो है ये छोटा सा ये आ रहा है, इसको भी मैं एडिट कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट जो है मैं इधर ये रख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सेट कर सकते हैं जिस तरह भी आप लोग सेट करना चाहें। तो यहाँ पर जो है मैं इसको प्ले करके देखता हूँ तो आप लोगों को पता लग जाएगा। ये देख लीजिए, मतलब एक तरह का एक बहुत ही अच्छा, मतलब जो के जो लोग वीडियोस बनाते हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा बैक लेके जाता हूँ और ये देख लीजिए, अब आप लोगों के पास जो है एक मेरे चैनल का नाम भी आ रहा है और सब्सक्राइब करने को भी कहा जा रहा है। तो इसको मैं दोबारा डबल क्लिक कर लेता हूँ, दोबारा इसके मैं एडिट में जाता हूँ तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इसमें आप लोग जो है वो कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर जो है आप लोग इसको ब्लैक भी रख सकते हैं, आप लोगों ने वाइट रखना है वाइट भी रख सकते हैं, जो भी आप लोगों की वीडियो के मुताबिक सूटेबल होगा वो आप कलर जो है वो इधर सेव कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास कुछ और भी जो है वो लोअर थर्ड्स आ रहे होंगे, आप लोगों ने कोई भी इसमें एडिट करना हो तो वो आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो उसके बाद, क्योंकि ये पहले डाउनलोडेड नहीं था, अभी डाउनलोड हो रहा है तो ये डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। आप मेन टेक्स्ट ईयर जो है आप उस टेक्स्ट को जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने अपने जो भी लिखना है, अपना चैनल का नाम लिखना है या कुछ भी लिखना है तो आप तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने ग्रीन स्क्रीन से अगर अपना लोअर थर्ड बनाना है तो वो किस तरह बनाना है वो मैं आप लोगों को अब जो है इधर बता देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ये बेसिकली एक वीडियो है। यहाँ पर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप लोगों के पास ये शो हो रहा है कि इस तरह जो है आप लोगों के पास एक शो होगा जब भी आप इसको डालेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं इसकी ग्रीन स्क्रीन जो है वो फ़िलहाल इधर ख़त्म करके दिखा देता हूँ कि ये जो है किस तरह का लगेगा। तो यहाँ से जो है मैं प्ले कर लेता हूँ तो ये इस तरह आएगा। अब आपने यहाँ पर ज्वाइन फॉलो अस ऑन फेसबुक लिखा हुआ है और नीचे वाइट जो है बार एक आ रहा है आप लोगों के पास, आपने उसमें टेक्स्ट किस तरह डालना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ और उसकी सेटिंग किस तरह करनी है, एनिमेशन किस तरह डालना है ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इसको कुछ थोड़ा बहुत सेट करना हो तो वो सेट किस तरह करना है, यहाँ पर आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है और आपने इसको उठा के जो है आप लोगों ने जहाँ भी इसको सेट करना है आप उसको सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको दोबारा थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये जो है इस वक्त मैंने थोड़ा सा सेट किया है इसको तो ये इधर आ गया। तो दोबारा मैं इसको जो है इसकी ग्रीन स्क्रीन जो है वो ऑन कर लेता हूँ और इसको भी अपनी जगह पे ले आता हूँ। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को इसको एडिट करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर किस तरह इसको एडिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टेक्स्ट एंड क्रेडिट में चले जाना है। टेक्स्ट एंड क्रेडिट में जाके आप लोगों ने सब टाइटल्स में चले जाना है। सब टाइटल्स में जाके आप लोग यहाँ पर कोई भी सब टाइटल्स अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको सेलेक्ट कॉपी करके जो ड्रैग करके जो यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ।
ड्रॉप करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एडवांस में चले जाना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने इधर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों ने इसको थोड़ा सेट करना है ताकि इधर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। उसके बाद डबल क्लिक किया, एडवांस में चला जाता हूँ। एडवांस में जाने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पर जो है वो सेव करना है। यहाँ पर इसको आपके पास यहाँ पर भी एक टेक्स्ट और उसका बैकग्राउंड आ रहा होगा, आपने उसको जो है सिंपल डिलीट कर देना है। और यहाँ पर जो है इसको आप लोग अपने इस लोअर थर्ड्स के कलर्स के मुताबिक जो है आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर जो है मैं इसका बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ से जो है मैं इसको आप लोगों को थोड़ा वाजे करने के लिए चले रेड कलर में जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। और इसका आप लोग जो है अगर अपना चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इधर लिख लेता हूँ कि FB लिख लेता हूँ, FB लिख लिया, स्लैश लिख लिया, और आगे मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ क्योंकि ये मेरा फेसबुक का पेज का लिंक है, तो उस हिसाब से जो है मैंने इसको थोड़ा सेट किया है। यहाँ पर जो है आप लोग कोई भी इसका फॉन्ट, कोई भी आप लोगों को जो अच्छा लग रहा हो तो वो आप लोग इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं इसका कोई भी आप लोग फॉन्ट रख सकते हैं, जैसा कि चले मैं फ़िलहाल ये रख लेता हूँ कि यहाँ पर रख लिया मैंने। उसके बाद आप लोग प्ले करके देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो है वो किस तरह ये शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोगों के पास जो टेक्स्ट है वो बाद में जो है आप लोगों का जो ख़त्म होता है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट आप लोगों ने पहले किस तरह ख़त्म करना है कि टेक्स्ट आप लोगों का पहले ख़त्म हो और बाद में जो पीछे जो आप लोगों का बैकग्राउंड है वाइट कलर का वो जो है वो बाद में ख़त्म होना चाहिए, तो उसको मैं किस तरह करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपल ये जो है आप लोगों ने ये इसको उठा के जो है थोड़ा पीछे ले आना है। उसके बाद मैं इधर थोड़ा पीछे करके दोबारा इसको प्ले करता हूँ, तो ये देख लीजिए आप, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ले आऊँगा। आप लोगों ने उस लोअर थर्ड के मुताबिक जो है अपना टेक्स्ट को भी एडिट करना है ताकि जो है वो भी उस हिसाब से जो है वो ख़त्म होता जाए। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क रह गया है, इसको मैं थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। अब मैं इसको दोबारा जो है वो प्ले करूँगा, तो ये देख लीजिए साथ ही जो है मेरा वो टेक्स्ट भी ख़त्म हो जाता है और अपना मेरा जो पीछे उसका बैकग्राउंड है वो भी उसके साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग अपना लव थ्रेड कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पर ले गया, तो जैसे ही मेरा जो है लोअर थर्ड शुरू होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया, यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ले आता हूँ, इसको मैं दोबारा आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो ये देख लीजिए ये बिल्कुल मतलब अपनी जगह पे जो है वो सेट हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाके प्ले कर लेता ताकि आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब ख़त्म होगा तो वो आप लोगों के पास किस तरह का लगेगा आप लोगों को। तो ये देख लीजिए मेरा पहले टेक्स्ट ख़त्म हुआ है और उसके बाद जो है मेरा फेसबुक का जो है वो बैकग्राउंड का वो ख़त्म हो गया। अब आगे ट्विटर का आ गया, ट्विटर का भी आप लोगों ने इसी तरह जो है आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है। आप लोग उसमें कलर भी सेट कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा आप लोगों को इसका जो है ग्रीन स्क्रीन जो है वो ख़त्म करके दिखा देता हूँ। इसकी ग्रीन स्क्रीन मैं ख़त्म कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये किस तरह का जो है वो इसमें शो हो रहा है। यहाँ पर जो है मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जो है वो फिट हुआ है। और फ़ॉन्ट जो है वो तो आप लोग अपने जो उन सब भी आप लोगों को अच्छा लगे तो वो आप लोग इसमें रख सकते हैं। दोस्तों ये एक YouTube क्रिएटर्स के लिए जो है बहुत अच्छी चीज़ है, जो लोग मतलब वीडियो क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए अच्छी चीज़ है। जैसा कि मैं करता हूँ, मैं भी अपने इसमें अक्सर लगाता हूँ अपने फेसबुक की इसमें यूट्यूब की वीडियोस में। यहाँ पर मैं आप लोगों के पास कुछ और भी मेरे पास लोअर थर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को इधर लगा के दिखा देता हूँ। इसमें मैं कुछ अपने ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक मैंने सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो है वो मैंने किया है, इधर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इसकी मैं इसको पहले ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, उसके बाद इसकी ग्रीन स्क्रीन जो है वो मैं इसकी ख़त्म कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये देख लीजिए सब्सक्राइब को क्लिक किया है और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिया है। ये मतलब एक ये भी यूट्यूब के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा
सेट करना है, तो सेट किस तरह कर सकते हैं आप लोग? इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर थोड़ा जो है थोड़ा नीचे ले आता हूँ, ताकि जो है मेरी वीडियोज जो है वो डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको दोबारा प्ले करके दिखा देता हूँ। और आप लोगों ने जहाँ भी इसकी पोजीशन रखनी है वो आप लोग रख सकते हैं। इस पर आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं कि ये जो है आप लोगों का लोअर थर्ड जो है वो मूव किस तरह करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, साइड से मतलब ऊपर जाएगा। ये आप लोग इधर से जो है इसकी एनिमेशन जो है वो मोशन इफेक्ट जो है वो सेलेक्ट करके जो है इसको बना सकते हैं। तो इस तरह के दोस्तों और भी मेरे पास जो है आपकी वीडियो लाइक करने का वो भी मेरे पास इसमें जो है वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है ये सारी चीज़ें जो हैं डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग इजीली इनको एडिट करके जो है अपना वीडियोस में जो है वो डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है वीडियो देखने वाले को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन लोगों को भी जो है ये इस वीडियो का जो है वो फ़ायदा हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।